फ्रेंड्स, आज मैं आपको त्रिकोणमित के बारे में जो अगले क्लास में जो सूत्र दिया था उससे आगे और चार इंपोर्टेंट सूत्र है उसको मैं सिद्ध करके और उसको सूत्र बताने जा रहा हूँ। ध्यान से कैसे देखिए, देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, ये सूत्र होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। एक ये सूत्र हो गया आपका। दूसरा नंबर है cos थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, ये दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र है tan स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। चौथा नंबर सूत्र है आपका cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। आइए अब इसको सिद्ध करते हैं कि कैसे इतना बराबर इतना होता है कि ना होता है। आधार बटा कर्ण को हम कॉस थीटा कहते हैं, आधार एवं कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। तो यहाँ ए बाई के लिखे, अब ये पूरा का बटा है बटा को गुना में चेंज करेंगे तो ये होगा एल बाई के। अभी पूरा का बटा गुना में चेंज होता है तो नीचे वाला ऊपर रहता है, यहाँ का वही रहता है, इसको चेंज किया गुना में तो गुना के ऊपर चला गया, ए नीचे ही रहेगा, के कट गया, बचा आपका एल एल बाई ए। एल बाई एल एल बाई ए किसको कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं। लंब एवं आधार के अनुपात को हम टेन थीटा कहते हैं। तो देखिए यहाँ भी टेन थीटा और यहाँ भी टेन थीटा, तो दोनों एल एच एस, इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसको राइट बराबर आर एच एस, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है तो उसको हम मानते हैं कि वो सही है। तो देखिए यहाँ पे एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, टेन थीटा बराबर टेन थीटा, तो आपका सूत्र हो गया टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सिद्ध भी हो गया। अब इसको देखते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, केवल स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। लंब एवं कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं, तो लंब बाई कर्ण को स्क्वायर कर दिए। फिर आधार एवं कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं, तो आधार बटा कर्ण को स्क्वायर कर दिए। फिर इसको भागा में गुना में चेंज किए स्क्वायर, तो यहाँ कर्ण कर्ण कट गया, तो बचा इसमें एल बचा, इसमें नीचे ए बचा, एल बाई एल एल बाई ए के स्क्वायर, एल बटा ए के स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी देखिए टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा, तो एल एच एस बराबर एल एच एस, ये भी सीध हो गया। अब देखते हैं तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला ये कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये भी देखते हैं आपका सूत्र हो गया। आप इसको सिद्ध कर रहे हैं कि कैसे ये होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखिए कॉस थीटा किसे कहते हैं, आधार एवं कर्ण के अनुपात को हम कॉस थीटा कहते हैं, और लंब एवं कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। तो कॉस थीटा की जगह ए बाई के रखेंगे, साइन थीटा की जगह एल बाई के रखेंगे। एल बाई के रखें, इसको भागा में इसको गुना में चेंज किए, तो यहाँ पर नीचे के था तो यहाँ ऊपर आ गया के कट गया, ए बाई एल, यहाँ बचा ए बाई एल। ए बाई एल किसको कहते हैं, आधार एवं लंब के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। यहाँ भी कॉस थीटा आपका, यहाँ भी कॉस थीटा, फिर यहाँ एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव हो गया, ये भी सूत्र। फिर यहाँ नीचे आता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बिल्कुल ऐसे ही जैसा, केवल इसको स्क्वायर में कर देंगे तो कॉस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर कॉस किसको कहते हैं, तो आधार एवं कर्ण के अनुपात को हम कॉस कहते हैं। कॉस को ए बाई के रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन किसको कहते हैं, लंब बाई कर्ण, इकाई को लेकर चलना है, किसको क्या कहते हैं, केवल इसको साइन को हम लेकर चलेंगे। साइन को क्या कहते हैं, लंब बटा कर्ण, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ भी ए बाई के को कॉस कहते हैं, यहाँ भी स्क्वायर लगा दिए। फिर ये आपका भागा में गुना में चेंज किए, के कट गया, ऊपर में बचा ए और नीचे में बचा एल, स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो गया। यहाँ भी देखिए लंब आधार एवं लंब के अनुपात को cot थीटा कहते हैं, यहाँ भी आपका cot थीटा, यहाँ भी cot थीटा, तो LHS बराबर RHS लगता है। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और इससे अच्छे ढंग से मैं आपको समझा सकूंगा। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ भाइयों, कृपया मेरा इसको वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई।